वेलकम टू माई व्लॉग। एंड कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड काफ़ी दिनों से ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिया के व्लॉग्स डालूंगी। तो बस शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से गए इंडिया, यानी बर्मिंगम टू इंडिया, तो हमारी जर्नी शुरू होती है कैब से। अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो है हीथ्रो से। तो यहाँ से बर्मिंगम बस स्टेशन से हम जाएंगे हीथ्रो एंड वहाँ से न्यू दिल्ली। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बर्मिंगम से ना कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है न्यू दिल्ली के लिए, तो इसलिए हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली जब हम लंदन में थे तो। और ये रही हमारी बस, द नेशनल एक्सप्रेस वे। तो ये हमें यहाँ से सीधे टर्मिनल 5 में ड्रॉप करेगी। सो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ट्रैवल वाया बस, और बहुत ही कंफर्टेबल बस थी। बहुत जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। सो दिस इज़ हाउ द नेशनल एक्सप्रेस वे बस लुक फ्रॉम इनसाइड। काफ़ी कंफर्टेबल था एंड येस, वी ऑल आर रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाने की जो खुशी है ना, वो जो जाता है ना बहुत सालों बाद अपने घर, उसको पता होता है कि कैसा फील होता है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो 2.5 आवर की जर्नी बहुत ही स्मूथ गई अपनी। वेल, हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो इतना बफर टाइम होने के बाद भी हमें एक क्यू मिली, बट हमारा जो भी चीज़ें थी ना बहुत ही स्मूथली हो गया। एंड आफ्टर ऑल द चेक इन एंड सिक्योरिटी, हम आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे आप ब्रांड्स देख सकते हो, सारी दुनिया के सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे भाई। खैर, मैं और रिजान यहाँ पे कर रहे हैं वेट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉफ़ी, क्योंकि अब सच में एक कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत है। अभी भी हमारे पास 2.5 आवर्स वेटिंग टाइम है, सो इसीलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी लेने। टाइम टू बोर्ड अ फ्लाइट। तो बस अब एक्साइटमेंट लेवल ना एक अलग ही जोन पे है भाई। सो दिस टाइम वी चोज विस्तारा एयरलाइंस एंड द जर्नी वॉज गुड। लेग स्पेस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो उतना पता नहीं चला। और फ्लाइट में चढ़ते ही मारा वॉज कंप्लेनिंग अबाउट स्टमक एक, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास दवाई थी तो हमने दे दिया। और इतने माइल दूर है हम दिल्ली से, तो हमारी जो फ़्लाइट है वो एग्जैक्टली 9 आवर की फ़्लाइट थी, 9.5 आवर की फ़्लाइट थी। और इज़ान जो है एयरपोर्ट में इतना खेला है कि वो थक कर ना सो गया। तो आफ्टर टेक ऑफ मज़े से इज़ान सो रहा था, एंड ये बहुत अच्छा हो गया कि वो सो गया आराम से। एंड मारा भी अभी बेटर फील कर रही थी दवाई दे देने के बाद। तो बस बच्चों की तबीयत थोड़ी ऐसी वैसी होती है तो डर लगने लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एंड आफ्टर टेक ऑफ सब चीज़ सेटल होने के बाद हमें मिल गया था डिनर, और डिनर जो था आई चोज वेजिटेरियन, तो पनीर दाल चावल एंड डेजर्ट था, और ये बन था, तो ठीक था, खाना भी ओके था। और खाना खाने के बाद आई गेस सब कोई ऑन द फ्लाइट, एवरी वन जस्ट लेफ्ट। और ये है मॉर्निंग की क्लिप। तो इज़ान बस जब हम लैंड करने वाले थे उस टाइम उठा, तो मैंने उसको जल्दी से जूस और जो भी ब्रेकफास्ट हमें मिला था उसे खिला दिया। एंड हियर वी गो, वी आर नियरली अबाउट टू रीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो येस, रियली वेरी एक्साइटेड। फाइनली हम लैंड कर गए न्यू दिल्ली में, और अब यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है टू रांची, लेकिन बीच में 6 घंटे का वेट है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने स्ट्रॉलर का। और इतना चलते चलते ना अब भूख लग गई थी, तो हम लोग आ गए यहाँ पे मैकडोनल्ड। और बस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था यहाँ के मैकडोनल्ड का टेस्ट। इज़ान जो है इसके लिए इतने घंटे वेट करना थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जिस एज ग्रुप में वो है इनके लिए उनको बिठा के रखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर स्पेशल मैंशन मैं करूँगी टिम हॉर्टन्स
वालों का, क्योंकि इसे भूख लग रही थी और इसे दूध चाहिए था, तो उन्होंने मुझे जो है ल्यूकवॉर्म मिल्क दे दिया था एंड इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया. सो थैंक यू सो मच. Are you excited? Is that, show me your excited face. Mara, show me your excited face. Is that, show me your excited face. अब हम रांची की फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं एंड दिस टाइम द ट्रिप इज़ वेरी एक्साइटिंग क्योंकि शादी है और मैं अपनी नीस से पहली बार मिलूंगी. सो यस, रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीथिंग. और अब हम लैंड कर गए हैं रांची एयरपोर्ट. बच्चों की खुशी तो आप देख ही सकते हो. और जैसे ही हम लैंड किए वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी. सो बस अब वेट ख़त्म. और इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं. मायरा और इज़ान आ गए अपने दादा दादी के घर और यहाँ पे इनका बहुत ही प्यारा वेलकम हुआ. तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. क्या आप भी एक्साइटेड हो और भी इंडिया के व्लॉग्स देखने के लिए? इफ़ येस, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना. अल्लाह हाफिज़.